वेलकम बैक टू इट्स काजू गेमिंग और हमारे साथ है यहाँ पे आज बर्फी भाई और हम लोग आज खेल रहे हैं नए GTA 5 के फेस टू फेस मैचेस। और बर्फी भाई देखो आगे जा रहे हैं जो कि कंजूस वाली गाड़ी लेके जा रहे हैं, बहुत ही खटारा गाड़ी लिए बर्फी भाई। ओए मेरे गाड़ी को कुछ पता नहीं, इसके एडवांटेजेस बहुत ही ज्यादा काजू भाई। क्या एडवांटेजेस है बर्फी भाई जरा बताना। पता नहीं तो रहने दो काजू भाई, आप क्या करोगे भाई? जिसको पता नहीं रहता ना वो यही बोलेगा अरे मैं खुद भी गिर गई। बर्फी भाई कैसा लगा? काजू भाई मुझे मारने की कोशिश करती, कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक नहीं था, अभी आपको आपको छोड़ूंगा नहीं काजू भाई, अभी तो आपने चैलेंज किया गिराते। अच्छा अब तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, ये देखो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, अभी इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, अभी बर्फी भाई छोड़ेंगे नहीं। खैर पर हम लोग अभी देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने रेनबो होल्स वाला मैप ले लिया गाइस और यहाँ पे बहुत ही कलरफुल वाले रिवैम्प आ चुके हैं और जो कि बहुत ही ज्यादा गड्ढों के सब के साथ भरे हुए हैं जो कि बहुत ही हार्ड हो जाता है हमारे लिए। ये कार छोटी इसलिए तो ठीक है, पर जब बड़ी कार्स आ जाएंगी तब तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे हम लोगों के लिए। ओ भाई बर्फी भाई तो दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बर्फी भाई आपका तो नामा निशान नहीं रहा यहाँ पे। रहने दो, हम फिलहाल के लिए नई गाड़ी ले लेते हैं, देखते हैं भाई साहब कौन सी नई गाड़ी लेके आते हैं हम लोग हमारे वाले बंदा। ओए भाई ये येलो कलर की बहुत ही सुंदर वाली कार बदलेंगे हम लोग और आएगा क्या आ रहा है? ओए रोल्स रॉयस जैसी कार है ये तो। ओए काजू भाई रोल्स रॉयस नहीं, ये चाइना की रोल्स रॉयस है यार, अभी क्या मतलब बोल रही हो गाइस? मैंने देखा तो मुझे भी थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि वो चाइना वाली रोल्स रॉयस है भाई। वो बहुत ही स्लिपरी स्लिप भी मार रही है और ये इतनी प्रीमियम भी नहीं लग रही है मुझे जितना प्रीमियम लगना चाहिए, वैसा रोल्स रॉयस तो बिल्कुल लग रही नहीं और स्पीड भी नहीं ले रही है भाई और रोड भी बहुत स्लिपरी हो गया। अरे यार मेरी गाड़ी भी गिर गई बोली। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे फिर से ले लिया हमारी चाइना की रोल्स रॉयस भाई साहब, कंट्रोलिंग काफी हार्ड है और स्पीड भी नहीं ले रही ये बंदी, पर भाई स्लिप भी इतना मार रही, इतना स्लिपरी रिवैम्प कैसे? स्लिप तो होने वाले यहाँ पे, मैंने पूरा साबुन का पानी डालकर रखा है, देखो क्या हो गया। ओए कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी है क्या? कोई ऐसे कुछ नहीं डाल सकता बर्फी भाई, कुछ भी बोल रहे। और ये देखो भाई हम लोगों ने कंट्रोल कर रही है, कौन स्टीयरिंग पे भी बैठा है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे साइकिल वाले बंदे को मार रहे हैं? थोड़ा सा बच गए बर्फी भाई, ऐसा लगाती ना भाई हम लोग फर्स्ट प्लेस पे आ चुके। मुझे लगता है बर्फी भाई गिर चुके थे आप। और ये हमारी साइकिल आ चुकी है भाई साहब, मुझे साइकिल छोड़ के कुछ भी मिले यार बहुत ही बुरा लगता है साइकिल मिलने के बाद, बहुत ज्यादा टाइम लेता है और वैम भी हमारा खत्म नहीं हो रहा है भाई। 2-4 साल बाद मैं यहाँ पे पहुंची हूँ और अभी हम लोग दूसरा कार लेंगे। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी कार चेंज होगी अभी साइकिल के छोड़ के। हम लोग मिलेंगे हम लोगों को भाई, हम लोगों को मिल चुके नैनो। अरे काजू भाई वो नैनो नहीं, वो मिस्टर बीन की कार है यार, क्या देख रहा नहीं आपको भाई? मेरे को उसका शेप नैनो जैसा ही लग रहा है। अभी मेरे को याद आया मिस्टर बीन के कार्टून में भी यही सेम कार रहती है गाइस और वो। और ये देखो भाई मेरी कार स्पीड हवा से बात कर रही है, मेरी कार इतनी छोटी कार होके भी काफी तेज दौड़ रही है मेरी कार। और कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे हम लोग आराम से जाएंगे और देखते भाई बर्फी भाई कहाँ पे है, हम लोग देखेंगे अभी बर्फी भाई क्या कर रहे हैं। बर्फी भाई तो काफी हमारे पीछे, ओए भाई मेरे को गिरा दिया बर्फी भाई। बर्फी भाई ये बहुत ही गलत किया यार आपने, मैं थोड़ा जल्दी देख लेती ना तो इनसे बच जाती थी। काजू भाई मैं जीता नहीं तभी चलेगा, पर मैं आपको गिरा के रहूंगा आज। ओए ये तो गलत बात हो गई बहुत ही ज्यादा, क्योंकि दोनों भी जीतने चाहिए। बर्फी भाई आप आगे जाओ, जाओ आगे आप। और ये हमारी कार हम लोग सीधा ऊपर लेके जाएंगे भाई, गड्ढों से बचना और आराम से जाएंगे। और ये येलो कलर वैम्प कार मेरे कार का बिल्कुल भी सेम है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं उस कलर में। और ये हम लोग दूसरा कार कौन सा आएगा यार, कौन सी आएगी मुझे देखना है। अरे बाप रे बर्फी भाई आपके तो पूरे होश उड़ जाने वाले हमारी कार देख के। अच्छा ऐसी कुछ ही गाड़ी आ गया आपकी भाई, अभी आएगा मजा, मजे में अभी देखना। आजा चक्के उड़ा देंगे। ये ले भाई तेरी गाड़ी उड़ा दी काजू भाई, मुझे उड़ा दिया। ओ ये उड़ाने वाली कार है भाई, मैं खुद मर गई हूँ पर मुझे इसका बिल्कुल भी गम नहीं है क्योंकि तुम खुद देखो कितने जोर से उड़ गए, पूरे उड़ गए। बर्फी भाई अभी देखना आप, आ जाओ मेरे को देखना आपको क्या आप कितना उड़ सकते हो। उड़ जाएगा मारो मुझे यार भाई साहब, क्या उड़ी है भाई समरसॉल्ट यार। ओए क्या बच गया मैं यार, कैसे गया यार बर्फी भाई? काजू भाई ये सब स्किल्स रहती है काजू भाई, कोई स्किल विल नहीं है मेरे को लगता है आपका बहुत ही ज्यादा लगता है इसमें। बर्फी भाई आप नेक्स्ट टाइम देखना ऐसा उड़ाऊंगी ना आपके कार को, बस हो गया आपका। ये देखो अभी हम लोग नेक्स्ट कार लेना ही पड़ेगा गाइस, बहुत देर से हम लोग बर्फी भाई उड़ा है, हम लोगों को आगे जाना पड़ेगा, फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करनी पड़ेगी। और हमारी नेक्स्ट कार आ चुकी है, ओए हम लोगों के पास तो आ चुकी है, ये तो मोटर बाइक है पर ये अच्छी चली गई आई गेस। और ये देखो भाई साहब क्या मजेदार चल रही है, मुझे लगता है स्पीड भी उसको काफी अच्छे से। आजा काजू भाई मुझे मिल गई अपनी ये रैंप वाली कार, आपको बुला रुको। प्लीज 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 बर्फी भाई छोड़ दो, छोड़ दो, मत कर दो बंदे को। अरे बर्फी भाई ओ गाइस देखो, ओ
भाई साहब बर्फी भाई देख रहे हैं ना काजू भाई, क्या कंट्रोलिंग है ये है मेरे पास, ये इसको कंट्रोलिंग बोलते बर्फी भाई, उसको कंट्रोलिंग नहीं बोलते, उसको लक बोलते है। और ये देखना भाई साहब अभी हमारी कंट्रोल कार के साथ हम लोग जाएंगे नेक्स्ट कार लेने के लिए जो कि है भाई लिबरेटर्स आ चुके हैं हमारे पास। ये ऑफ रोडिंग टायर्स हमारे लिए काफी एडवांटेजेस होने वाले हैं गाइस। काजू भाई क्या एडवांटेज है, आपसे नीचे पोपट हो गया आपका तो। पोपट हो चुका है गाइस, एक बार ले लेते हैं लिबरेटर्स फिर से लेते हैं, अभी देखते हैं हम लोग क्या होगा। बर्फी भाई अभी आपके छक्के चुड़ा देंगे, आ जाओ ये ऑफ रोड टायर हमारे लिए काफी तुम आ जाओ यार देखते कौन उठा। मैं पूरी उड़ चुकी हूँ भाई, बस हो गया यार, ओए मैं तो गिर गई, गंदा 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 अरे भाई मेरे ट्रक में पानी घुस गया पूरा। तो दोस्तों हम लोगों को अभी जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इनसे पंगा नहीं ले सकते, ये भाई रिवैम्प कार लेके बैठा है यार। जाओ जाओ काजू अरे बर्फी भाई जाने दो ना, क्या कर रहे हैं यार बर्फी भाई, बस हो गया यार बहुत बुरा लग रहा है यार, कितने बार गिरा रहे हो वही वही पे। अरे यार शिट, वापस एक बार हम लोग रिस्पॉन करते हैं। अरे भाई छोड़ दे वो रिवैम्प कार को, क्या लेके बैठा है पप्पा के जैसा, ले ले काजू भाई मैं आपको गिराऊंगा ये ले। नहीं यार बर्फी भाई ओए ओए नहीं गिर गई, ओए भाई अरे नहीं यार बर्फी भाई आप तो कुछ नहीं बचे हो, बच्चे ही नहीं, आपका नामो निशान नहीं, जो जल्दी जल्दी ले जाते हैं हम लोग वरना ये वापस आ जाएंगे वहां से भूत के जैसे। चलो जैसे हम लोग अभी जाएंगे और हमारी कार चेंज करते हैं, देखते कौन सी नेक्स्ट कार आएगी। भाई ये कार ने तो काफी मजे दिए मुझे, बहुत ही ज्यादा पीटा भी है अभी देखते कौन सी कार आती है। और ये है हमारी ओए बस, ए भाई साहब बस आ चुकी है भाई, बस ड्राइवर जैसा फील हो रहा है पर हम पप्पू का बस ड्राइवर ले। ओए भाई मेरे को मत उड़ा, अरे यार पूरी गुलाटी मार रही है यार, अरे बाप रे, अरे भाई मेरे को रिस्पॉन करना पड़ेगा मुझे लगता है क्योंकि तो हम लोग निकल पड़े हैं फिर से पप्पू द बस ड्राइवर लेके, और यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं मर सकता। काजू भाई मेरे पास आ चुकी है मॉन्स्टर ट्रक, अभी आपके पप्पू के बस को कैसे गिरा था देखो पानी में, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, आके तो लेफ्ट से आ जाओ लेफ्ट से आ जाओ, देखा मार लिया ओए तेरी तो, भाई गिर गई ना कितनी गंदी तरह से गिर गई, मॉन्स्टर ट्रक को गिरा दला आपने तो, बर्फ लग गई अभी कोई नहीं आ सकता भाई, मॉन्स्टर द ट्रक भी हम लोग के सामने चकनाचूर हो चुकी है तो कुछ नहीं सकता, वापस मत कोशिश मत करना बर्फी भाई, कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, मैं धकल दूंगा अरे कुछ नहीं हो सकता बर्फी भाई, भाई से बस कितनी पावरफुल है यार, भाई तुम चचुंदर की तरह निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ बर्फी भाई, देखो भाग गए ना। आऊंगा गाइस फिर से आऊंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं काजू भाई इस पर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग के पास आ चुकी है न्यू व्हीकल और ये है फ्लाई यूएस। गाइस ये फ्लाई यूएस कौन सी काजू भाई? अरे बर्फी भाई आपको पता नहीं क्या, ये फ्लाई यूएस नाम की व्हीकल रहती है, टैक्सी रहती है जो की एरोप्लेन में यूज होती है, तो ये ना यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होती है, आपको कैसे नहीं पता? काजू भाई मैं कभी प्लेन में गया नहीं हूँ। अरे यार शिट शिट शिट, आप गए हो काजू भाई कभी प्लेन में? नहीं। तो ऐसा की बात कर रहे हो, आप गए हो यार, मुझे तो लगा कि आप गए थे प्लेन में। अरे ऐसा नहीं है भाई, छोड़ देते बातों को छोड़ देते, चलो आगे जाते हैं हम लोग, देखते हैं हमारी रेडियो टैक्सी किधर तक जाती है ये फ्लाई यूएस वाली। भाई ये रेडियो टैक्सी नहीं है पहली बात मैं बता दूं, ये नॉर्मल टैक्सी है, मेरे को नाम नहीं पता। काजू भाई आपकी गाड़ी पे हॉर्न लगे और एंटीना लगा के रखे? ओ भाई वो मेरे को इतना नहीं पता, अभी नई व्हीकल आ चुकी है और ये है जीपी पोस्टल वाली बस आ चुकी है भाई। टिकटे बेचो टिकटे बेचो काजू भाई, आप पैसे कमाएंगे तब जाओगे एरोप्लेन में। हाँ भाई टिकटे बेचती हूँ भाई, मुझे बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा लेंगे टिकटे बेच के। अभी यहाँ पे हम लोग जीपी पोस्टल देखते भाई, बहुत ही स्लो चल रही है ये, पर ये वैम के लिए काफी अच्छी है, पर बहुत ही हिल रही है भाई, इधर उधर हिल रही है पूरी कार। यहाँ आगे जाके देखते भाई सब नेक्स्ट कौन सी व्हीकल है, क्योंकि ये व्हीकल हम लोग को मुझे इतनी नहीं पसंद आई, इतनी भी कोई अच्छी नहीं थी, देखते नेक्स्ट वाली कौन सी व्हीकल मिलती है हम लोगों को। और यहाँ हम लोगों को भी है, ओ भाई साहब हम लोगों को मिल चुकी है नई सुपर कार। उड़ा तो रुका बस से। नहीं हम लोग नहीं उड़ सकते क्योंकि हमारे पास है बहुत ही ज्यादा स्पीड, भाई हम लोग स्पीड में जाते हैं, हम लोग हवाओं से बात करते हैं, हम लोगों को एरोप्लेन की कोई जरूरत नहीं, बर्फी भाई हमारी कार ही एरोप्लेन है। कितने स्पीड से जा रहे हो भाई, एग्जॉस्ट देख रहे हो ना तुम, हमारी बंदी कुछ अलग ही चल रही है भाई, क्या टशन है इस कार के, बहुत ही सुंदर कार मिली हम लोगों को। लैम्बोर्गिनी लग रही है मुझे, वो मुझे नहीं पता वो कौन सी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है भाई। और ये हम लोग यार चेंज करनी पड़ी कार यार हम लोगों को, मुझे चाहिए थी और भी, और ये भी कोई बहुत ही बुरी नहीं है, डैशिंग कार है हमारी। काजू भाई आपके पास फिर से आने लगे, रुको आपको उड़ा दो काजू भाई। ओए तेरे को मारूंगी तेरे को भाई, मेरे नेक को स्प्रेन कर दिया भाई, मेरे को डॉक्टर पे लेके चले। आप हेलमेट पहन से बच गए, तू निकल बाहर निकल तू
तू मैं बाहर निकल भाई, कार से बाहर निकल। काजू भाई गेम के अंदर बाहर नहीं निकल सकते। अरे तू बाहर निकल, मेरे नेक को कितना जोर से लगा, इंजुरी कर दिया मेरे नेक को। काजू भाई अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है तो नीचे जाओ, पानी में जाओ। अच्छा बेटा तेरे को भाई इसका बहुत ही मुंह चल रहा है भाई, इसको मारूंगी मैं, ठोकर दूंगी। ओए मुझे मार दे तू, मुझे रुको जरा। डैशिंग कार भाई, अब मेरी डैशिंग कार बहुत ही ठोकर मार रही है इधर उधर। चलो जल्दी भागते, साइड हो जाओ मुझे आगे जाने दो भाई, भागते प्लीज। काजू भाई साइड हो जाओ मुझे आगे जाने दो। नहीं 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 भाई इसको आगे नहीं जाने देंगे हम लोग। बर्फी भाई आप रुक जाओ यहाँ पे, आ जाओ रुक जाओ यहाँ पे, आती हूँ मैं, रुक जाओ। ओए लेटे, अरे नहीं साइड से आगल भाई, कैसे निकल गए ये बस लेके अपनी। पर फिर भी हमारी डैशिंग कार भी कोई कम नहीं है भाई, बहुत ही फ्लेक्सिबल कार है। देखो भाई किधर भी घूमती है, पूरा टर्न मारती है और बहुत ही ज्यादा फास्ट भी है। और हम लोग को नई व्हीकल मिल चुकी है और ये है हाय भाई मिस्टर बीन की कार। आए हाय हाय क्या दिख रही है। बर्फ भाई कौन सी कार लेके आ रहे हो आप तो कुछ भी लेके आओ। अभी हमारे पास मिस्टर बीन की कार है जो हम लोगों के स्पीड में जाएगी और गड्ढे को बिल्कुल भी नहीं लेगी भाई। अभी हम लोग एक इसमें पार करेंगे भाई, नहीं बचेंगे कोई भी नहीं बचेगा अभी यहाँ पे। और भाई का तो कोई भी नाम निशान नहीं है, डैशिंग कार लेके आ गए। ओए भाई यार शर्म कर इतने बड़े कार से छुड़त। बर्फी भाई चलो अभी हम लोग जा रहे हैं रिवैम्प को वापस एक बार रिस्पॉन करेंगे, नया चेक पॉइंट लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को मिल चुकी है द सुपर कार, और भाई साहब हम लोगों को एंड में दिख रहा है द फिनिश लाइन, और हम लोग विन करेंगे इसको ये अपने सुपर कार के साथ, सुपर स्पीड के साथ भी। और बर्फी भाई अभी भी मुझे दिख ही रहे साइकिल पे मेहनत कर रहे। अरे मैं गिर रही हूँ, मैं खुद गिर रही हूँ, मुझे बाप रे। अरे भाई बहुत कंट्रोल किया है मैंने भाई, रुक जा तू, बहुत कंट्रोल किया। अभी भाई इसको मैं मारूंगी एक झटका, क्योंकि बहुत ज्यादा तकलीफ दी है यार इसने। और अभी हम लोग एंड करते हैं हमारा वीडियो। तो गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन हिट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी।